हेलो एवरीवन, दिस इज़ रीना एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रीना अनु ब्लॉग। तो आज आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में इन प्यारे प्यारे फूलों के साथ। इन फूलों की तरह आप लोग भी हंसते खिलखिलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। भवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। यार यहाँ पे ये प्लांट्स लगाए ना, इसको लगाया सार ब्लॉक हो गया है, लेकिन गैया की वजह से ये बढ़ने ही नहीं पा रहा है। आती हैं सब और खा के चली ही जाती हैं, पूरी मेहनत बेकार हो जा रही है। और इसमें ना थोड़ा सा प्याज लगाए हुए हैं, इसको निकाल हो गया है, पकौड़ी बनाने लायक हो गया है ये प्याज, इसको इसमें से निकालना है। इधर भी है थोड़ा और उधर भी है, थोड़ा सा इधर है। घर की जो तैयार चीज़ें रहती हैं उसका टेस्ट ही बहुत अलग रहता है यार, कितना भी मार्केट से खरीदो। आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि घर में मैं अकेली थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, और अब जाके मम्मी और डैडी दोनों लोग आ गए हैं तो अब घर भरा भरा लग रहा है। कहते हैं ना कि घर इंसानों से बनता है, कितना भी अच्छा घर बना लो ना, अगर जो घर के मालिक घर में नहीं है ना तो घर बिल्कुल खाली लगता है। और पूरा टाइम ऐसा लगता था ना मुझे, मेरे पास कोई काम ही नहीं है। और उनके आने के बाद मैंने मतलब पूरा उन लोगों को टाइम दिया, वीडियो भी मैं नहीं बनाई, और अभी वो लोग हैं तो घर पूरा भरा भरा लग रहा है यार। ऐसे ही जब मैं वहाँ चली जाती हूँ ना, मतलब जब मैं हैदराबाद रहती हूँ तो पूरा टाइम अकेला अपन, कुछ टाइम तो यहाँ से जाने के बाद अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन देखते हैं कब जाना होता है। चलो मम्मी के पास चलते हैं। ये छोटे छोटे फूल हैं ना, मतलब बिल्कुल छोटे छोटे घास जैसे हैं, और इसमें इतने अच्छे से खिलते हैं कि बिल्कुल अच्छे लगते हैं। ये फूल तो थोड़ा सा ये सब ख़राब हो गया है, बट नए आ जाएंगे। हॉल में मतलब गेस्ट रूम में बैठी हुई थी तो मेरी नज़र इस पेंटिंग पे गई, एंड कैसा लग रहा है ये पेंटिंग आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मैंने अपनी शादी के टाइम बनाया था, गणेश जी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ना, मतलब ये पूरा थ्रेड से बना हुआ है। 6 साल हो गए इसको बने, 6 साल से ऊपर हो गया है, पर सच में बता रहे हैं बहुत सुंदर लगते हैं। मुस्कुराते हुए आ गई हैं, अब इनको पता है कि मैं कैमरा चलाई हूँ। ये देखो आज तो बड़ी सुंदर लग रही हैं मम्मी, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हैं, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हैं, आज तो सुंदर लग रही हैं। ये देखो मम्मी का डांस, थोड़ा और आज मम्मी पूरा फॉर्म में डांस करते हुए। आंटी की पारी, आंटी नंबर वन कर रहे हैं। मत गाती थी लेकिन आधा गाती थी, छोड़ देते थे तब मत गाई थी। ये देखो मेरे सास का जबरदस्त डांस। यहाँ पे मैं चटनी बना रही थी और वो बन गया है, ये देखिए टमाटर की। और यहाँ पे मेरा मटर भी फ्राई हो गया है तो मैं इसको जा रही हूँ पहले मिक्सर में पीसूंगी और फिर पराठे बनाती हूँ। ये देखो ये स्टफ बन के रेडी हो गया है, और इसमें बाद में मैंने थोड़ा धनिया पत्ता काट के डाल दिया था, और ये तो वही है बर्थन बोलते हैं, और जो बेलने के लिए इधर आटा भी हमारा गूंथ गया है। अब हम पराठे बनाना शुरू करते हैं। देसी घी के साथ पराठे के टेस्ट बहुत बढ़ जाते हैं।
यहाँ मैं मम्मी को पराठे दे रही थी और उनसे पूछ रही थी कैसा बना है, तो वो बिल्कुल इशारा करके बता रही थी। और पता नहीं क्यों मैं जब भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो आवाज़ गायब हो जा रही है, वरना ओरिजिनल आवाज़ जो होती है वो मिलती है आप लोगों को, नहीं ऐसे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है। और इधर मैं आ गई हूँ अपना और अपने हस्बैंड का खाना लेके। तो इनसे भी मैं वही पूछ रही थी पर इसमें से भी आवाज़ गायब हो गई है। ये भी यही कह रहे थे बहुत टेस्टी पराठा बना है, लेकिन क्या बताऊँ इसमें से आवाज़ गायब हो गई है। एंड यहाँ पर मम्मी और मैं दोनों लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं। थोड़ी देर टीवी देखेंगे फिर रेस्ट करने जाएंगे। और इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।